नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज ठाकुर फ्रॉम स्टूडियो सीकेसी। आज जो कलेक्शन लेके आई हूँ ना, उस कलेक्शन की मुझे खुद बड़े इंतज़ार थी। एक्चुअली मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि लवेंडर कलेक्शन लेके हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें लेके आएंगे। तो आज की कलेक्शन जो है, दैट इज़ लाइलैक कलेक्शन। इस कलेक्शन में सारे जो सूट्स होंगे वो सारे हमारे इन हाउस डिज़ाइन किए हुए सूट्स हैं, सारे लाइलैक कलर में, थोड़े लाइट शेड, डार्क शेड, और उसमें बहुत अच्छी रेशम की एम्ब्रॉयडरीज हैं और जॉर्जेट फैब्रिक के बेस के ऊपर हैं। कुछ एक ऑर्गेन्जा में भी बने हैं और कॉटन में भी मिक्स है, लेकिन थीम सारा लाइलैक है। तो मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, आपको भी पसंद आएगी। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करना, हम शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला सूट मैं जो दिखा रही हूँ आपको, वो है कलर तो ऑब्वियसली लाइलैक ही होगा और ये है जॉर्जेट फैब्रिक में, और इसको ना हमने नेकलाइन में थोड़ा टेक्सचर फैब्रिक लगा के और लेस लगाई है, और नीचे बड़ा प्यारा सा मोटिफ कलरफुल, थोड़ा ग्रीन लीव्स और मजेंटा कलर और लाइलैक कलर, लेमन कलर, इस कलर की एम्ब्रॉयडरी है। और स्लीव्स जो है ना, बीच में बीडिंग और नीचे नीचे बड़ी एलिगेंट सी छोटी सी लेस लगी है। और इसका जो सबसे मेन, जो इसका सबसे प्यारी जो चीज़ है ना, वो है इसकी ट्राउज़र। ट्राउज़र पे ना नीचे ऑर्गेन्जा लगा के हमने ये काम करा है, और ऐसे इसका प्लाजो नहीं अच्छा लगेगा, इसको आप ट्राउज़र ही बनवाना, तब ज़्यादा स्मार्ट लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंचेस अगर आप हेमलाइन रखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ये नीचे आएगा ऑर्गेन्जा लगा के। और ये क्रेप की बॉटम है साथ में, इसके ऊपर फुल सूट पे लाइनिंग ऑफ कोर्स लगेगी। और मैं आपको दुपट्टा भी दिखा दूँ, इसका दुपट्टा हमने ऐसे बनाया है, सी नेट का दुपट्टा, और साथ में फ्रिल्स लगाई हैं, इसे 3 लेयर्स फ्रिल्स की लगी हैं। सो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है सूट, जब आप पहनोगे तो बहुत एलिगेंट लगेगा। और इस सूट की रेंज है 3500। और नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आपको फिर से एक लाइलैक कलर में नेक्स्ट दिखा रही हूँ। ये थोड़ा लाइटर टोन है, बड़ा सॉफ्ट सा कलर है इसका। सॉरी, इसमें ना, इसमें ये टेक्सचर फैब्रिक लगा के ना नेकलाइन के ऊपर, और बहुत ही प्यारा वर्क करा है। पहले हमने ना ये वाइट पे बनाए थे, अगर आप वो वीडियो देखोगे, आई थिंक मैजिक ऑफ रेशम, उसमें हमने ये सारी कलेक्शन बनाई थी। तो ये अब हमने इसको लैवेंडर कलर में बनाया है। दिस इज़ द नेकलाइन, और इसके लेस के साथ इसको डिफाइन करा है, टेक्सचर फैब्रिक यूज़ किया है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ऐसे रफ़ सरफेस वाले जो फैब्रिक होते हैं ना, उसके ऊपर वर्क करा बड़ा अच्छा लगता है। और ये रही इसकी स्लीव्स, स्लीव्स के ऊपर ना ऐसे सॉफ्ट से एक फैब्रिक की फ्रिल बना के साथ में ये लेस लगाई है। सो दीज आर द स्लीव्स, और इसकी जो हेम लाइन है ना, घेरा जो है उसके ऊपर ये लेस है। इस लेस में ना साथ साथ थोड़ा सिल्वर भी टच है, ये बड़ी प्यारी कॉटन लेस है, क्रोशेट लेस है। और ये रही नेकलाइन। अब अच्छा, अब मैं इसको ना बैक भी दिखा दूँ, दिस इज़ द बैक नेक। बैक पे ये वही टेक्सचर फैब्रिक लगा के एक हमारा जो सिग्नेचर स्टाइल जो होता है लीफ, माय फेवरेट, वो पीछे बना हुआ है। और अब मैं इसको दुपट्टा आपको इसका दिखाती हूँ, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। सी दुपट्टे पे एक्सपेरिमेंट करा है हमने, थोड़ा बीच में नेट फैब्रिक लगाया है और साइड पे कोटा डोरिया फैब्रिक, और 4 साइड इसकी फ्रिंज लेस लगी है, बड़ी एलिगेंट सी फ्रिंज लेस है। और जो नेट भी लगी है ना, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, आपको ये इसका फील बड़ा मज़ेदार है, बड़ा सॉफ्ट सा। और इस सूट की रेंज है 3800। नेक्स्ट आ गया जी एक और लाइलैक, ये सेम है जो मैंने पहना हुआ है, और इसमें सिर्फ कलर वेरिएशंस हैं। इसमें हमने क्या करा है, ऊपर थोड़ा पिंक है और नीचे वही लाइलैक कलर, लैवेंडर कलर, घेरे की तरफ नीचे जाओ तो लैवेंडर कलर है। दीज आर द स्लीव्स, इसकी पहले मैं नेकलाइन बता दूँ। इसके ऊपर ना बड़ी प्यारी एक लेस लगा के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है ये। और ये रहा इसका स्लीव्स का पार्ट, स्लीव्स में यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बीच में बीडिंग लेस इंसर्ट करी है, और ये वेलवेट वाली लेस है, और नीचे ये थोड़ी ब्रॉड लेस, और दुपट्टा भी डबल शेड में डाइड है, जैसे शर्ट डबल शेड में है, दुपट्टा भी डबल शेड में है। 4 साइड इसके वही वाली लेस, काफ़ी ब्रॉड लेस है, 4 साइड दुपट्टे पे लगी है, पिंक एंड लवेंडर कलर का ये दुपट्टा है। बैक पे सेम वही लीफ, सेम कलर्स में टेक्सचर फैब्रिक लगा के, जैसे आगे लेस लगा के काम किया, यहाँ पे टेक्सचर फैब्रिक लगा के किया है। एंड दिस इज़ द बॉटम लाइलैक कलर की,
और इस सूट की रेंज है 3500। नेक्स्ट एक और, सबके ना शेड्स थोड़े थोड़े अलग हैं, सेम शेड कोई नहीं है, थोड़े से डिफरेंस हैं। ये सेल्फ में फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है लेकिन सेल्फ है, और सेल्फ में ना वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और पहने हुए बड़े स्मार्ट लगते हैं। सी द नेकलाइन, नेकलाइन में हमने ये क्रोशेट फैब्रिक लगा के ना उसके ऊपर वर्क करा है, एक थोड़ा बड़ा सा मोटिफ बनाया हुआ है। ये देखो बड़े प्यारे फ्लावर्स हैं, ये बटरफ्लाई बनी है, एक छोटी बटरफ्लाई बड़ी है और एक साइड पे छोटा मोटिफ है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ, सेम फैब्रिक स्लीव पे लगाया है, बीच में बीडिंग लेसेस यहाँ पे भी, और ये सारा लेवेंडर कलर का है। इसके हेमलाइन पे बड़ी ब्यूटीफुल लेस लगी है, काफ़ी ब्रॉड लेस है, ये फ्रेंच लेस है, साथ में कटवर्क में है। और इसका दुपट्टा ये रहा, दुपट्टे के ना फोर साइड कॉर्नर्स पे काम है, नेट का दुपट्टा है ये। इसमें क्या किया हमने, जैसे एक साइड पे ये वाला मोटिफ है, ठीक है जी, और दूसरी साइड पे ये मोटिफ है, और ऐसे इसके ऑपोजिट साइड पे भी ये वाला मोटिफ होगा और इसके ऑपोजिट ये वाला। नेट का दुपट्टा, फोर साइड वही क्रोशेट लेस, एंड दिस इज़ द बॉटम। और इस सूट की रेंज है 3500 कॉटन बेस। नेक्स्ट एक और जॉर्जेट का दिखा रही हूँ, इसमें ना हमने बड़ा अच्छा टेक्सचर फैब्रिक था उसके साथ डिज़ाइनिंग करी है। पहले तो ये नेकलाइन बड़ी स्मार्ट है इसकी, ये लेस अपने आप में ही एक पूरी कंप्लीट डिज़ाइनिंग दे रही है, बहुत अच्छा एलिगेंट इसके साथ लुक आती है। दिस इज़ द नेकलाइन ऑन द लेस ऑन द नेकलाइन वी शेप में। आप इसको ना अगर आपको डीप लग रहा है या कुछ है, प्लीज़ इसको ऊपर से मत कटवाना, अंदर आप फैब्रिक इंसर्ट कर सकते हो और बड़ी अच्छी लगेगी। और इसके घेरे पे ये टेक्सचर फैब्रिक लगा हुआ है, स्लिट्स के ऊपर और ये घेरे पे भी लगा हुआ है। ये ना आप इसको उतार के इसका घेरा कम ज़्यादा कर सकते हो, और स्लीव्स पे भी ऐसे ही हमने डिज़ाइनिंग करी है सी। और ये बड़ा अच्छा ऑफिस वेयर सूट है, इसको आप ये नहीं कि बड़ा हैवी नहीं है, बट डिज़ाइनर पीस है तो अच्छा लगेगा, आप ऑफिस में पहनो, किसी भी फॉर्मल फंक्शन पे भी पहन सकते हो। बीडिंग लेस है, नीचे टेक्सचर लेस, और ये देखो इसका दुपट्टा भी जॉर्जेट में ही है। इसमें भी ना फोर साइड तो जॉर्जेट लगा है और बीच में वही आप नेट फैब्रिक, सेल्फ नेट फैब्रिक सॉफ्ट वाला, और इसकी लेस बड़ी एलिगेंट है जो फोर साइड लगी है वाइट, तो ये वाइट एंड लाइलैक कलर का कॉम्बिनेशन है। ओके, इसका ये आ गया ट्राउज़र का फैब्रिक। ट्राउज़र में हमने क्या किया है, इसमें ना डबल लेसिंग दी है, एक ये लेस है और एक ये लेस है, ये बीडिंग लेस है, आप इसको कट करके भी बीच में लगवा सकते हो, लेकिन हमने आपको साथ में दी है, आप ट्राउज़र पे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। और इस सूट की रेंज है 3000। ओके, अच्छा ये जो सूट है ना, ये हमने जयपुरी पहले और कलर्स में भी बनाया था, ये हमने बनाया था येलो कलर में, ग्रीन कलर में, अब ये हमें लाइलैक प्रिंट भी मुझे मिला तो मैंने लाइलैक में भी ये क्रिएट करा है। गोटे पत्ती का काम है, बड़ा ब्यूटीफुल, और साथ में रेशम का काम भी है। ये देखो दिस इज़ द नेक लाइन, बड़े प्यारे कलर्स हैं, ये मजेंटा कलर बड़ा सुंदर लगता है इसमें, बिकॉज गोटे के साथ में एकदम ब्राइट लुक आती है। और इसकी ना ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे ये सेम काम, बड़ा प्यारा छोटा सा मोटिफ और साथ में ये जो है लेस, और ये हेमलाइन के ऊपर भी सेम लेस है, कलरफुल जो यहाँ पे कलर्स हैं। दुपट्टा देखो इसका कितना सुंदर दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा में, ये देखो ये ना डबल शेड डाई करा है हमने, बिकॉज बड़ा एलिगेंट सा सोबर सा कलर है, तो थोड़ा मजेंटा कलर का टच दे दिया ना, तो उसके साथ ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये टेसल्स लगाए हैं मजेंटा कलर के फोर साइड, एंड दिस इज़ द बॉटम फैब्रिक। और इस सूट की रेंज है 3500। नेक्स्ट आपको एक दिखा रहे हैं ऑर्गेन्जा में सूट, ये भी बड़ा प्यारा कलर है, वेरी लाइट एंड एलिगेंट कलर, लाइलैक कलर, दिस इज़ द एग्जैक्ट लाइलैक कलर एक्चुअली, जो बिल्कुल लाइट मूविश कलर होता है ना वो है। नेकलाइन में हमने ये डिज़ाइनिंग करी है, सी ब्यूटीफुल फ्लोरल 3D लेसेस लगाई हुई हैं इसके ऊपर, और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स की ना नीचे लेस बड़ी प्यारी है, ये पर्ल्स वाली बीड्स वाली लेस है, और घेरे पे भी सेम लेस लगी है बीड्स वाली, ठीक है जी। एंड दिस इज़ द बॉटम फैब्रिक। और ये रहा दुपट्टा, दुपट्टा ये भी टू टोन में डाइड है, इसमें लाइट एंड डार्क कलर है दुपट्टे में, सेंटर में लाइट है, साइड्स जो हैं वो डार्क कलर है, तो इसी थोड़ी सी वेरिएशन से ना, कलर वेरिएशन से
बहुत सुंदर लगते हैं सूट्स। इसकी रेंज है 4500। नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, ये भी वही लाइलैक कलर ही है, लाइट सा मूविश कलर, पिंकिश मूव कलर। इसको पता कैसे डिज़ाइन करा है, ये हाई लो में बनाया हमने। दिस इज़ अ डिज़ाइनर पीस, वेरी, इसके कट्स बड़े अच्छे हैं। यस, ये सेंटर कट बनेगा। अगर आपने सेंटर कट नहीं भी बनवाना तो आप इसको बराबर भी कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगेगा अगर ऐसे बनाओगे तो। ये जो इधर वाली स्लिट है ये ऊपर है और इधर वाला पार्ट जो थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। और ये वाला वर्क हुआ है इसके ऊपर सारा, थोड़ा हैंडवर्क भी है मशीन। ये देखो गिठान है हैंड की इसके ऊपर, एक मोटिफ बड़ा सा इधर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। और बैक पल्लू जो है ना, और नीचे क्रोशेट फैब्रिक लगा के बीच में वीविंग वाला बॉर्डर लगाया हुआ है, फिर क्रोशेट फैब्रिक, फिर उसके बाद फिनिशिंग करी हुई है पाइपिंग देके। और बैक पल्लू जो है वो ये वाला है, बैक पे भी सेम क्रोशेट फैब्रिक एंड वीविंग वाला बॉर्डर। और स्लीव्स में आपको दिखा देती हूँ, दीज आर द स्लीव्स, सेम कॉन्सेप्ट जो घेरे पे है। अच्छा, कपड़ा सेल्फ में है ना, इस वजह से भी बड़ा प्यारा लगता है। ये थोड़ा डिफरेंट लुक आती है प्लेन फैब्रिक से, ये वाले फैब्रिक मुझे खुद को बड़े पसंद है। ये आ गया दुपट्टा, फोर साइड वही वीविंग वाला इसके बॉर्डर लगा हुआ है। और ये रहा इसका बॉटम का फैब्रिक, और इस सूट की रेंज है 3500। नेक्स्ट आ गया फिर से एक जॉर्जेट का सूट, बड़े सिंपल से हल्के फुल्के से काम है, ज़्यादा हैवी नहीं है, मेरी खुद की पसंद ऐसी है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मज़ा आता है ऐसे काम करने में। ये देखो, दिस इज़ द नेकलाइन, सेंटर में ही बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडर्ड लेस है और एक साइड पे एक बूटा सा बना हुआ है, वेरी एलिगेंट छोटा सा। और इसी में से एक पार्ट उठा के हमने यहाँ करा है, ठीक है। बहुत हैवी नहीं है, हल्का लगेगा पहना हुआ। और ये रही सी स्लीव्स इसकी, सिंपल बीडिंग लेस लगी है। और इसका जो दुपट्टा है ना वो बड़ा प्यारा है। एक्चुअली पहले मन था कि प्लेन रखें बिल्कुल, सूट और दुपट्टा ही बड़ा सुंदर था इसका, पर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का टच हम दे देंगे तो सबको पसंद आएगा। सो इसके कलर्स देखो दुपट्टे के, एक स्काई ब्लू है, पीच है, लवेंडर है, सारे वही कलर आगे से रिपीट हो रहे हैं। सो ये दुपट्टा इटसेल्फ बड़ा प्यारा है, इस सूट में सिंपल भी आप बना सकते हो, लेकिन ये हल्का सा हमने काम दे दिया ना तो अच्छा लगेगा इसके साथ। और साथ में क्रेप की आपको बॉटम मिलेगी। और इस सूट की रेंज है 3000। अभी एक और ऑर्गेन्जा में सूट आया है जी, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, बड़ा ही प्यारा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। और इसको हमने डिज़ाइन करा है, इसके ना घेरे पे हमने लेसेस इंसर्ट किए हैं, और जो लेसेस इंसर्ट किए हैं ना उसके ऊपर काम किया है, काम जो है लवेंडर कलर का है। और फ्लावर्स इसके कलरफुल बड़े प्यारे से हैं, लवेंडर कलर है, कैरेट कलर है एंड ब्लू कलर है, डबल लेसिंग करके फिर बनाया। और स्लीव्स पे भी सेम वैसे ही है, दिस आर द स्लीव्स, देखो बीच में बीडिंग लेस, फिर से यहाँ लेस इंसर्ट करके वही मोटिफ छोटा सा प्यारा सा। एंड इसका बैक भी दिखा दूँ, बैक पे वही लीफ बनाया है और साथ में हल्के से छोटे से कलर्स का इफेक्ट दिया है। अब मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, दुपट्टा ऐसा बनाया मैं, लाइलैक कलर का दुपट्टा है जी सारा नेट में, और जो पल्लू है ना उस पर सेम ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा दिए बीडिंग लेसेस के साथ। सो बड़ा प्यारी सी लुक आई है, साथ में ये आ गया क्रेप का बॉटम इसका, 3500 इसकी भी रेंज। ये नेक्स्ट आ गया डॉबी फैब्रिक में सूट है, ये कॉटन डॉबी, और इसको भी हमने लाइलैक और साथ में ना ब्लैक वीविंग वाला ना ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर है उसके साथ डिज़ाइन किया। ये रेगुलर बनते हैं हमारे पास पीस, सबको पसंद आते हैं। और हेमलाइन पे वर्क है इसका बड़ा प्यारा रेशम का, वही पर्पल कलर का साथ में, मतलब मिक्स कलर्स हैं, लाइट एंड डार्क टोन्स हैं। एंड दिस इज़ द नेक लाइन, देखो बड़ा अच्छा बॉर्डर बना हुआ है, साथ में यहाँ पे एक फ्लोरल मोटिफ और सेम वैसे यहाँ पे। ये आ गई स्लीव्स, स्लीव्स के ऊपर भी बॉर्डर देन ये मोटिफ। और इसका दुपट्टा जो है ना वो भी लाइलैक कलर में दुपट्टा है, कोटा डोरिया का, सॉफ्ट कोटा डोरिया का दुपट्टा, और ये फोर साइड इसके बॉर्डर है। और इसका ये बॉटम, और ये वाले पीस तो हमारे रेगुलर बनते रहते हैं, वाइट में तो बहुत बनते हैं। और इस सूट की रेंज है 3200। अब आपको एक थोड़ा सा फॉर्मल भी दिखा रहे हैं ये सारे कैजुअल नहीं, थोड़े फॉर्मल शादी वाले भी सूट आ रहे हैं जी। दिस इज़ ओनली वन सूट एक्चुअली। ये रहा शर्ट, शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक में है, चिनोन फैब्रिक का ये शर्ट है, और घेरे पे ऐसे लेस लगाई है, कॉइन्स वाली लेस है कटवर्क में, बहुत प्यारी।
और इसका दुपट्टा ये रहा। इसका ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, मज़ेदार एकदम हटके। इसकी ना दुपट्टे के पल्लू पल्लू पे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, उसके बाद फ्रिंज लेस गोल्डन कलर की, और ये चिनोन का दुपट्टा है, और ये रहा इसका गरारा। ये देखो, सी हाउ ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर में गरारा है ये। ऊपर कलियाँ होती हैं एक्चुअली, और नीचे इसके फ्रिल लगती है, मतलब काफ़ी मेहनत से बनती हैं ये चीज़ें। ऊपर कलियाँ बना के, नीचे फ्रिल गैदर्स डाल के, और खूब सारा इसको जब पहनोगे ना, इसकी लुक ऐसी आएगी कि लहंगा पहना हुआ है। और इस सूट की रेंज है 5500। सो दिस इज़ ऑल। आपको लाइलैक कलेक्शन कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं सच में बड़ी एक्साइटेड थी इस कलेक्शन के लिए, बड़ी देर से वेट कर रही थी। और सच्ची बताऊँ, अभी भी कितने आर्टिकल प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, क्योंकि मन नहीं भरता, ऐसा लगता है कि और बना लो और बना लो। बट मैंने कहा चलो अब शुरुआत करते हैं, एक नेक्स्ट फिर से बना लेंगे। अब ना आप सारे अपनी सजेशंस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और थैंक यू सो मच इतना टाइम निकालने के लिए, अपनी फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सो मच।